मैं ये बता रहा था कि रैम जो होती है ना आपकी, वो जितनी रैम है उतना बड़ा आप वेरिएबल यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा वेरिएबल आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे तो इस एरे की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सर्टेन लिमिट एक होगी कि आपकी अगर रैम ओवरफ्लो हो जाए तो ये क्रैश हो सकता है प्रोग्राम आपका, ठीक है। वेल, 4 GB इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। 4 GB का मतलब है कि 4 GB का मतलब है कि अगर उसको MB में कन्वर्ट करें तो 4000 MB बन जाएगा, और 4000 MB को मजीद 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 4000 4000 थाउजेंड कितना हुआ ये? तो ये अरबों बाइट्स उसके अंदर मौजूद है ना, अरबों की तादाद में बाइट्स मौजूद हैं, ठीक है। और हमारा जो अभी वेल हमारा एक वेरिएबल कितने बाइट लेता है, हमने ये डिस्कस नहीं किया। होपफुली हम बहुत जल्दी ये बात डिस्कस करेंगे कि जो हमारा वेरिएबल बनता है जब, तो वो मेमोरी में, वैसे तो हमने देखा है कि मेमोरी में सेव होता है वो, रैम मेमोरी में, लेकिन वो एक्चुअल में जब सेव होता है तो वो कितनी जगह कैप्चर करता है, कितना साइज़ वो कैप्चर कर लेता है एक वेरिएबल, ये हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। एक बिट में 8 बाइट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, सही है। तो हम अच्छा, हमारा जो नंबर का वेरिएबल होता है वो 64 बिट का होता है एक वेरिएबल, तो 64 बिट का जो वेरिएबल है एक, वो करोड़ों लाखों करोड़ों की तादाद में भी होगा तो 4 GB तक रीच नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। अगर करोड़ों की तादाद में भी मैं बना दूँ ना इसका जो जो मतलब वेरिएबल्स हैं, नंबर वेरिएबल्स, तो करोड़ 1 करोड़ नंबर वेरिएबल्स जो होंगे वो 64 करोड़ बाइट्स होंगे ना, तो 64 करोड़ बाइट्स कुछ चंद MB, चंद 100 MB बनते हैं वो, ठीक है। तो उससे भी कम बनते हैं बल्कि। तो तो इट मीन्स कि यार ऐसा नहीं है कि कोई मतलब थोड़ा सा ही मैं बनाऊंगा और रैम फुल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रैम फुल करना इज़ नॉट पॉसिबल स्टिल, हम लेकिन केयरफुल रहते हैं क्योंकि जी हमारे पास जो कंप्यूटर होता है उसमें सिर्फ हमारा सॉफ्टवेयर तो नहीं चल रहा ना, उसमें और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, तो हम स्टिल हमारी कोशिश यही होती है कि हम कम से कम रैम को यूटिलाइज़ करें। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास 4 GB रैम अगर अवेलेबल होती है, 8 GB रैम अवेलेबल होती है, तो इट डजेंट मीन कि हम उसको वेस्ट करेंगे ना, क्योंकि कंप्यूटिंग पावर इज़ एक्सपेंसिव। जो कंप्यूटर चलता है जब, तो उसमें बिजली जो यूज़ होती है, तो CPU साइकिल्स और उसकी जो स्टोरेज है वो दोनों बिजली से चलते हैं, तो अगर मैं उसको वेस्ट करता हूँ तो ये बहुत एक्सपेंसिव रिसोर्स है जिसको मैं वेस्ट कर रहा हूँ। और वेस्ट करने की वजह से एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि कुछ कंप्यूटर्स में जिसमें अगर रैम कम है तो मेरा सॉफ्टवेयर उसमें सही चलेगा नहीं, अगर सही नहीं चलेगा तो मेरे रेपुटेशन का भी चक्कर है कि मेरे सॉफ्टवेयर की रेपुटेशन ख़राब होगी कि यार चलता ही स्लो है ये। तो लिहाजा ये कि मैं कम से कम रैम जितने में मेरा काम हो सकता है मैं उतनी ही रैम लूँगा ताकि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो फ्लुएंट रहे छोटी या बड़ी हर तरह की मशीन्स के ऊपर। तो ये मैंने क्या कर लिया कि एक एरे को कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया, छोटी छोटी बहुत सारी हमने बातें साथ में डिस्कस की हैं, और एरे को ना सिर्फ हमने कंस्ट्रक्ट करना बनाना सीख लिया है बल्कि उसको हमने अलग अलग वैल्यूज़ को उस एरे की एक्सेस भी करना सीख लिया, ठीक है जी। अब इस अगर एरे को मैंने चेंज करना है तो मैं किस तरह करूँगा? बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे मैं एक नॉर्मल नंबर वेरिएबल को चेंज करता हूँ, इसी तरह मैं एरे को भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने कहा कि यार मेरा ना दिल कर रहा है कि मैं 3 को रिमूव करके इसकी जगह 4 कर दूँ, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 1 है इसका इंडेक्स नंबर। तो मैं बोलता हूँ कि यार माई नंबर्स पे जाओ, आप 1 पे जाओ और इक्वल्स टू इसको क्या कर दो? 4, ठीक है। एंड देन जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है, अच्छा प्रिंट मैं 3 को करवा रहा हूँ बावजूद इसके कि मेरे पे वैल्यू और भी हैं, प्रिंट होगी वो, मैं प्रिंट लेकिन 3 को ही करवा रहा हूँ शुरू के, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो क्या हो गया, ये जो जो शुरू की जो 3 कॉन्सोल थे उसमें देखें इसकी वैल्यू 3 थी, और जो बाद वाले 3 कॉन्सोल आए हैं उसमें इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? 4 हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या सीख लिया कि एरे को ना सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना, उसकी वैल्यूज़ को अलग अलग एक्सेस करना और उसको मॉडिफाई करना भी मैंने सीख लिया। अच्छा, अभी मैंने 1 इंडेक्स को चेंज किया है, मैं इसके 0 इंडेक्स को भी चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा यार 0 इंडेक्स को चेंज करके ना आप क्या कर दो, 11 है ना इसमें, इसको 0 कर दो, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये पहले जो 3 प्रिंट हुआ उसमें 11, 3 और 2 है, लेकिन दूसरे में 11 की जगह ये 0 हो चुका है, ठीक है। yes. सब लोगों को ये बात समझ आ गई कि एरे को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, एरे को एक्सेस कैसे करते हैं और एरे को मॉडिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम आई थिंक यहीं तक रखते हैं, और ये जो अभी हमने करके देखा है ना एरे वाला कि एरे किस तरह से बनता है, अच्छा अगेन ये हमारा जो हो रहा है ना अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है इन तमाम टूल्स के साथ, राइट।
इंट्रोडक्शन हो रहा है इन तमाम टूल्स के साथ. हमने अभी ये कहाँ कहाँ यूज़ होंगे ये एक्सप्लोर थ्रू आउट द कोर्स हम करते रहेंगे, ठीक है. इट डजेंट मीन कि अगर हमने अभी ये नहीं देखा ना कि ये कहाँ यूज़ होता है तो इट डजेंट मीन कि हम इसको, ये एक्चुअली टॉपिक वैसे कहने को तो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, लेकिन ये टॉपिक आगे भी डिस्कस होता रहेगा. जब हम इसको लूप को पढ़ेंगे हमारे यहाँ पे आउटलाइन के अंदर, यहाँ पे ना लूप स्टेटमेंट जब है 8th पे 8th नंबर पे, तो ये लूप स्टेटमेंट जब खुलेगा ना तो हम ये देखेंगे कि एरे जो है वो लूप के लिए बना है और लूप एरे के लिए बना है, और ये दोनों एक दूसरे के बगैर किसी काम के नहीं है, ठीक है. तो लूप जहाँ पे भी एरे होगा वहाँ पे लूप लाजमी चलेगा, और जहाँ पे लूप होगा वहाँ पे एरे कहीं ना कहीं मुझे चाहिए होगा. तो ये लूप और एरे का एक कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, तो उस पॉइंट पे हम दोबारा इससे ये एरे को ज़रा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है. फिर इसी तरीके से हमने जब कंपैरिजन ऑपरेटर्स जब हम पढ़ेंगे और कंडीशनल कंडीशन को चेक करना पड़ेंगे तो वो बूलियन वाली बात दोबारा खुलेगी, ठीक है. और इसी तरीके से जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो रिटर्न वैल्यू हम शुरू में हमने देखा था ना कि वो चीज़ गायब हो जाती है फिर उसकी जगह कुछ और आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न वैल्यू. तो रिटर्न वैल्यू या फंक्शंस के अंदर ये दोबारा से बात खुलेगी. तो एक्चुअली यहाँ पे हमने अभी ये ओवरव्यू लिया है जिन चीज़ों का, वो साथ साथ हमारे चलता रहेगा, ठीक है. तो ये हमने क्या किया है, जस्ट इस टूल के साथ हमने इंट्रोडक्शन लिया है. अभी मिसाल के तौर पे जैसे एक कारपेंटर होता है, उसके पास कोई बंदा अगर काम सीखने आता है, ये मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था आपसे, अगेन बता रहा हूँ, तो वो उसको पहले तमाम टूल्स के बारे में ब्रीफ करता है कि इस टूल से होता क्या है, ठीक है. मिसाल के तौर पे जैसे एक इलेक्ट्रिशियन है, उसने किसी वायर में चेक करना है अगर कि इस वायर में करंट है या नहीं है, तो वो किस तरह चेक करेगा, टेस्टर से चेक करेगा, ठीक है ना. तो यू नो दैट टूल, आपको पता था इस टूल के बारे में, जब ही तो आपने फ़ौरन बता दिया कि टेस्टर से करेगा. अच्छा, कोई बंदा है लेकिन उसको ये बात नहीं पता, ठीक है ना, तो वो ब्लैंक है, सही है, उसको ये बात नहीं पता. उसको जब तक कोई ये बात बताएगा नहीं, सम हाउ उसको ये बात जब तक पता नहीं लगती, उसको कैसे पता लगेगी. जहाँ अच्छा, अब आपको क्योंकि ये बात पता है तो जहाँ जहाँ आपको टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी ना, आपका दिमाग खुद बोलेगा कि यहाँ पर टेस्टर की ज़रूरत है, ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसा यूज़ केस बताता हूँ जिसमें आप, आई एम श्योर कि आप ब्लैंक होंगे उसमें, ठीक है. अच्छा, जैसे कि हमारे पास ये कंसील्ड वाले बोर्ड लगे हुए हैं, है ना. इस बोर्ड की तार जो है वो दीवार के अंदर से जा रही है, हाँ. वो तो ऊपर से जो लगा हुआ वो तो इंटरनेट की तार है, उसको वो बिजली की तार नहीं है. ये बिजली की जो तार है ना, इस बोर्ड में भी और वो उधर जो पीछे बोर्ड लगा है उसमें भी और सब में ना, ये दीवार के अंदर से जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड कंसील्ड वायरिंग, ठीक है ना. ओपन जो ऊपर से पट्टी लगी होती है उसको कहते हैं ओपन वायरिंग, ये ओपन नहीं है, कंसील्ड है. तो इसमें अगर मुझे सम हाउ अगर मेरी वायरिंग डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो मुझे ये कैसे पता लगेगा कि, या इसको इमेजिन इस तरह कर लें हम कि मे बी एक मैं पेंट ऐप खोल लेता हूँ. कि जैसे ये मेरी एक दीवार है, अब यहाँ पे मेरे पास ना एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है. अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे नीचे एक बोर्ड चाहिए, ठीक है. मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरी टेबल है, यहाँ पे मैं टेबल पे बैठ के काम करता हूँ एक्चुअली, मिसाल के तौर पे अगर, ठीक है. तो मुझे यहाँ नीचे एक बोर्ड चाहिए जो कि पहले से मौजूद नहीं है, बोर्ड इतना ऊपर है, ठीक है. अब मुझे नीचे एक बोर्ड चाहिए, तो एक तो तरीका ये कि मैं एक्सटेंशन नीचे से यूँ लगा लूँ ऐसे, और एक्सटेंशन से मैं काम करूँ. लेकिन मैं चाहता हूँ यार इसका ना मैं ज़रा वायर निकाल के करूँ, ठीक है. या मे बी अगर मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए बोर्ड, अगर मुझे किसी और यहाँ पर चाहिए किसी जगह पर बोर्ड, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इससे कनेक्शन खींच लूँ, ठीक है. बट अगर अब इस वाली की जो तार है एक्चुअली वो किधर से गुजरी हुई है, हो सकता है वो इधर से ही आ रही हो सकता है वो यूँ आ रही हो यहाँ से, तो फिर तो मैं यहीं से इसको ओपन करके ले सकता हूँ ना, ठीक है. या हो सकता है ये यहाँ से ऐसे यूँ ऊपर जाती हो और फिर उसके बाद ऐसे निकल जाती हो. अब मुझे ये पता लगाने का क्या तरीका होगा कि तार किधर से जा रही है, ऊपर से तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ऊपर से तो पूरी दीवार प्लेन है. अच्छा, यहाँ से अगर इसको हम झांक के भी देखेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट तक नज़र आ जाएगा, उससे ज़्यादा तो दूर तक नज़र नहीं आएगा, है ना. अच्छा, तो हमारे पास इसको चेक करने के लिए क्या कोई ऐसा टूल मौजूद है इलेक्ट्रिशियंस के पास, हाँ भाई, Do you know any of those, any tool, जिससे ये काम हो सके? हाँ?
अच्छा सर हमारा कैलकुलेटर देख लेगा। कैलकुलेटर देख लेंगे, सैटरडे को देखेंगे अब वो। एक टेस्टर होता है, इलेक्ट्रिक टेस्टर, जो कि ना वायरलेस होता है। छोटा सा बस उसको पिचक सिकर होते हैं लाइट ऑन होती है उसमें का। यस यस, ये जो चीज़ है ना, इसके आगे प्लास्टिक लगी हुई है ना, इसके आगे कोई मेटल का कोई पार्ट नहीं होता इसमें, ये प्लास्टिक का होता है। और ये जब इसको बिजली वाले तार के करीब लेके जाओ ना, तो ये 1 इंच दूर से ही बता देता है कि इसमें करंट है, इसको टच करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर ये वाला टूल हमारे पास मौजूद हो ना, तो उसको जब दीवार पे मैं यूँ घुमाऊँगा, तो जहाँ पे से वो तार गुजर रही होगी ना, वहाँ पे ये बीप कर जाएगा। ये बीप भी करता है और ये बत्ती भी जलाता है। तो इसके ज़रिए पता लगाते हैं इलेक्ट्रिशियन कि इस दीवार में कहाँ कहाँ वो तार घूम रही है। ठीक है, अगर सम टाइम वायरिंग वीक हो जाती है, चेंज करना होता है, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई लोड डाल के और उसको वो जल्दी से घुमा के चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से थी। तो वहीं से दीवार को तोड़ते हैं, वहाँ से तार बाहर आ जाती है। ठीक है, अदरवाइज़ ठीक है। तो इस तरह छोटे छोटे बहुत सारे टूल्स होते हैं, ज़ाहिर है, जो हर किसी को नहीं पता होता। मुझे इसलिए पता है कि रिसेंटली मेरे घर पे ये इशू आया था, तो उसने जो है वो इससे चेक किया था। मैं तो सोच रहा था कि यार ये होगा कैसे, लेकिन वो आया, उसने यूँ कर लिया फ़ौरन। तो मैंने देखा, वाह यार, ये तो बड़ा आसान ऐसे हो गया। आप भी मना की तरह सोच रहे होंगे सारे दीवार हाँ, तोड़ के। कि ये कैसे तोड़ेगा, ये कैसे इसको चेक करेगा, क्योंकि ये तो पता नहीं इतने अंदर। और कॉम्प्लेक्स वायरिंग थी वो उस दीवार में ना, कॉम्प्लेक्स वायरिंग थी, 4-5 अलग अलग बोर्ड लगे हुए थे, और कहाँ से एंटर हुई हुई थी तार कोई पता नहीं लग रहा था। क्योंकि वो तार जो वायरिंग हुई थी ना, उसके बाद प्लस्तर 2-3 दफ़ा पता नहीं प्लस्तर हुआ था, कलर हुआ था उस दीवार पर, बड़ी पुरानी वायरिंग हुई हुई थी। तो वो उसने प्लस्तर वाले ना, वो सारी तार वार सब उसमें दबा दी थी, जहाँ से एग्जिट भी था वहाँ से भी पता नहीं लग रहा था। तो वो उसने फ़ौरन ऐसे ऐसे किया ही हूँ, वो बीप कर गया, उसने पता लग गया कि यार यहाँ पे, उसने टक टक तोड़ा, तार बाहर निकाल ली। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो टूल्स होते हैं ना, वो हमें जब तक पता नहीं होंगे, हमें कैसे पता लगेगा। तो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर गेटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ दीज टूल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन फ्यूचर, है ना। जब भी हमें इस टूल की जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमारा दिमाग खुद ही बोलेगा कि ये अब एरे चाहिए यहाँ पर, है ना। अभी आपको देखें, ये पता लग गया कि ये एक वायरलेस टेस्टर भी होता है। अच्छा, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि कोई तार है, अब उसमें करंट है या नहीं है ये चेक करना है, लेकिन उस तार को छीलने का ऑप्शन नहीं है, बगैर छीले उस तार का करंट चेक करना है, कैसे करेंगे? उसी टेस्टर से करेंगे, क्योंकि वो जब 2 इंच दूर से बता देता है, तो वो तो तार छिला हुआ या नहीं हो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तो आपको देखिए, फ़ौरन आपके दिमाग ने बोला कि वो टेस्टर काम आ जाएगा यहाँ। तो इसी तरह जहाँ पे अब ये एरे चाहिए होगा, जहाँ पे बूलियन चाहिए होगा, जहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल, जहाँ पे नंबर वेरिएबल चाहिए होगा, तो आपका ब्रेन आपको खुद इंस्ट्रक्शन देगा कि अच्छा यहाँ पे ये चाहिए मुझे। ठीक है जी, चलें। तो सब लोग इसको प्रैक्टिस करें, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो नोट करें, मैं फिर आखिर में क्वेश्चन का जवाब देता हूँ।